हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम अर्धवार्षिक पेपर जो 7 नवंबर को होने वाला है हिंदी का 2022-23 का, दो यानी कि अंक 50 का आने वाला है, वो आपको हम बता रहे हैं। इससे आपको रिलेटेड वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी, हर सब्जेक्ट के पेपर मिलेंगे, हर क्लास के पेपर मिलेंगे। इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है, और जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। देखो, प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं कि नव नव के नव बेहक वृंद को पंक्ति में अलंकार है, इसका है दूसरा यानी अनुप्रास अलंकार। इसमें 22 प्रश्न हैं, जो कुछ पूरा पेपर है जो उत्तर सहित है, पूरा देखना है आपको, पूरा नोट कर लेना है और यही याद करके पेपर देने जाना है, ठीक है। वर्दे कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। बेहक वृंद का आशय है पक्षियों का समूह है, ठीक है। तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास, आंसर, ठीक है। अप्रयोजिता शब्द में उपसर्ग है आ, यानी उपसर्ग क्या लगता है आ, ठीक है, आगे। और विकलांगता शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, तो इसमें क्या जोड़ा है ता, ठीक है। तुलसीदास की पंक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है, ठीक है, दास भाव की, ठीक है, उत्तर। और आठवां प्रश्न नंबर 8वां है, ब्रज भूमि में किसकी झाड़ियाँ कुंज यानी अधिक मिलती हैं, इसका है आंसर करील। करील मीन्स होता है बांस, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां, सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। धुआंधार प्रपात किस नदी के जल के गिरने से बनता है, नर्मदा, ठीक है, उत्तर। आपको नोट करते जाना है। देखो प्रश्न नंबर 11वां, बड़े लोग कौन सा काम नहीं करते हैं, बड़े लोग स्वयं की बड़ाई नहीं करते हैं, शांत स्वभाव के होना चाहिए और किसी का अनादर ना करें, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 12वां, कोई व्यक्ति कब पछताता है, जब समय बीत जाता है तो व्यक्ति पछताते हैं और उनका बनने वाला काम बिगड़ जाता है। प्रश्न नंबर 13वां देखते हैं, कवि ने गौरैया की आंखों की तुलना किससे की है, कवि ने गौरैया की आंखों की तुलना नीलम से की है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं होते हैं, उत्तर है राष्ट्रीय पर्व 2 अक्टूबर होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है और गणतंत्र दिवस होता है। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 15वां, महारानी अहिल्याबाई को लोकमाता क्यों कहा जाता है, इनके शासनकाल में प्रजा सुख शांति और समृद्धि से भरपूर थी, लोग उन्हें राजमाता या लोकमाता कहते थे, ठीक है। और अब देखो, हमारे जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है, इसका उत्तर है, इन दिनों वृक्षों की घटती संख्या और बिगड़ते पर्यावरण को देखकर समय विश्व में पर्यावरण की रक्षा की चिंता की जा रही है और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रोक लगाई जाना चाहिए, ठीक है, मतलब वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना चाहिए, ठीक है। और प्रश्न नंबर 17वां, हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए, इसका उत्तर है, हमें जीवों के प्रति दया की भावना रखना चाहिए, इस संसार में सभी के प्रति सरल व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18वां, भारत का हृदय प्रदेश के नाम से कौन सा प्रदेश जाना जाता है, भारत का हृदय प्रदेश के नाम से आपको पता होता है होगा ही कि मध्य प्रदेश को जाना जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 19वां, होलकर वंश की प्रसिद्ध रानी का नाम लिखिए, अहिल्याबाई होलकर वंश की प्रसिद्ध रानी थी, उन्होंने ही महेश्वर मंदिर और पुनर्स्थापित किया, ठीक है। फिर देखते हैं 20वां प्रश्न, कि रस क्या है, प्रत्येक रस का स्थायी भाव लिखिए, रस की परिभाषा लिख देना है आपको, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने या देखने से
जो आनंद की अप्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। फिर आपको रस के स्थायी भाव यहाँ हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास्य का हंसी, करुण का शोक, रुद्र का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा, भयानक का भय, अद्भुत का आश्चर्य, वीर का उत्साह, शांत का निर्भेद और बात्सल्य का बात्सल्य। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 21 में देखते हैं बच्चों। देखो, प्रधानाध्यापक को अवकाश के लिए दो दिवस का प्रार्थना पत्र लिखिए। आपका ये प्रार्थना पत्र आपके स्कूल में लिखवाया गया होगा, आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, इसके अथवा में एक ये है प्रश्न कि अपने मित्र को उसके उत्तीर्ण होने पर बधाई देते हुए आवेदन पत्र लिखिए। ये छुट्टी मतलब छुट्टी वाला अवकाश वाला प्रार्थना पत्र सभी को बन जाना है, तो ये तैयार कर लेना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इसमें भी देख लेना है, कोई अगर आपको निबंध याद हो, कोई त्यौहार या कोई विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ठीक है, या विज्ञान का के चमत्कार या पर्यावरण संरक्षण, जो आपको सरल लगे उस टॉपिक पर आपको निबंध लिख लेना है। आपके स्कूल में लिखवाया गया होगा निबंध। ठीक है, और आपको बच्चों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेंगी।